Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. So here is the second part of the sterilization and its method. Hope आपने first part देखा होगा. अगर नहीं देखा तो मैं link description में डाल दूँगी. So you can watch easily. So हमने कल पढ़ा था dry heat. Now we are talking about moist heat sterilization. So moist heat sterilization के तीन method होते हैं. हम उनको तीन temperature पे कर सकते हैं. One at a temperature below 100 degree Celsius. And second one is at a temperature of 100 degree Celsius and third one is at a temperature above 100 degree Celsius. 100 से नीचे और 100 से ऊपर. So हमारे पास at a temperature below 100 degree Celsius पे दो methods आते हैं. One is pasteurization of milk and next one is inspissation. Pasteurization of milk. So basic term में अगर बात करें, pasteurization का मतलब होता है partial sterilization of any product. कोई wine होगी या milk हो गया, कोई भी हमारे पास product है. Pasteurization मतलब होता है अगर उसके आगे लग जाए तो partial sterilization of that product. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? Pasteurization of milk की बात कर रहे हैं. So that means partial sterilization of milk. तो इसको करने के हमारे पास दो method होते हैं. One is holder method. And other one is flash method. Holder method आपको नाम से पता लग रहा है, आपको वो चीज़ hold करके रखनी है. और flash method is just like a flash, कुछ seconds आपको hold करके रखना है, then over. Holder method में आपका temperature requirement होती है, that is 63 degree Celsius for 30 minutes. 30 मिनट्स के लिए आपको 63 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखना है. देन कम्स फ्लैश मेथड. फ्लैश मेथड में आपको उसको 30 सेकंड्स के लिए रखना है ऑन 72 डिग्री सेल्सियस पर, फॉलोड बाय कूलिंग क्विकली टू 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर. मतलब फ्लैश मेथड में आपको 30 सेकंड्स के लिए उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर रखना है और फॉलोड बाय कूलिंग क्विकली, फिर क्विकली आपको उसको कूल करना है टू 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर. देन कम टू इंस्पिसेशन. इंस्पिसेशन के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इंस्पिसेटर. इंस्पिसेटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है. ये क्या करता है, मतलब जो भी हमारा प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया है, सीरम है, उसको स्टरलाइज करने के लिए हम इंस्पिसेटर का यूज़ करते हैं. तो इसमें जैसे कि लोवेनस्टीन जेंसन हो गई, एग मीडिया हो गया, लॉफलर सीरम हो गया, तो इन सबको हम हीट करते हैं एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर फॉर हाफ आवर. हाफ आवर के लिए करते हैं, डेली करते हैं, फॉर 3 days. 3 दिन के लिए हम डेली 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर हाफ आवर के लिए उसको हीट करते हैं टू स्टरलाइज इट इन इंस्पिसेटर. ओके, सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. हमने पीछे बात करी थी एट अ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें दो मेथड्स आते हैं. ये बॉइलिंग तो बहुत ही कॉमन मेथड है, घर में आम हम इसको करते हैं. एंड सेकेंड वन इज स्टेरिलाइजेशन. सो बॉइलिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हमने स्टराइल करना है तो हम उसको वाटर में बॉइल करते हैं फॉर 10 to 30 मिनट्स. ठीक है, बॉइल करते हैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे एज मेंशनड हेयर. ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको 10 to 30 मिनट्स के लिए रखते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, बॉइलिंग हमारा वेजिटेटिव फॉर्म को अच्छे से किल कर देता है. जो हमारे, मतलब मैंने कल बताया था आपको व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड स्पोर. वेजिटेटिव फॉर्म में जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं, दे आर एक्टिवली इन्फेक्टिंग दैट थिंग और मल्टीप्लाइंग ऑन दैट थिंग. ओके, और स्पोर में हमारे वो डॉर्मेंट होते हैं जो कि बाद में हमारे जर्मिनेट होते हैं या डिवाइड होके हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल्स में, जो कि एक्टिव बन जाते हैं फिर. तो हमारा जो बॉइलिंग है वो मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म को तो किल कर देता है, बट मैनी स्पोर्स हैं वो विदस्टैंड कर जाते हैं बॉइलिंग को. तो इसलिए हम यहाँ पे बॉइलिंग रिकमेंड नहीं करते हैं. अगर कोई बेटर मेथड अवेलेबल नहीं है हमारे पास या एमरजेंसी केस में करना है तो हम बॉइलिंग कर सकते हैं, बट बॉइलिंग को हम रबर स्टॉपर्स, ग्लास सिरिंजेस, इनके लिए कर सकते हैं. लेकिन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे जो कि हमें सर्जरी में यूज़ करने हैं, उनके लिए ये बॉइलिंग मेथड रिकमेंडेड नहीं है. सो नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन.
तो टेंडलाइजेशन में हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के लिए करते हैं ऑन 3 सक्सेसिव डेज. सो बेसिक चीज़ क्या है, 3 सक्सेसिव डेज में क्यों करते हैं कि जो फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट हीट हमने जब प्रोवाइड करी, फर्स्ट एक्सपोजर में वो वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है. फिर फर्स्ट हीटिंग और सेकंड हीटिंग के बीच का जो इंटरवल होता है उसमें जो रिमेनिंग स्पोर्स रह जाते हैं, मतलब कि जो इनएक्टिव स्पोर्स हैं हमारे, वो जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू वेजिटेटिव फॉर्म्स और वो हमारे सबसीक्वेंट हीटिंग पे किल हो जाते हैं. ओके, तो इसलिए हम इसको 3 सक्सेसिव डेज में करते हैं कि वेजिटेटिव तो उस टाइम हो गए, फिर जो स्पोर्स रह गए वो बाद में जर्मिनेट हो गए, वेजिटेटिव में चेंज हो गए और वो हमारे फिर सबसीक्वेंट हीटिंग में किल हो जाते हैं. तो इनको हम एग, सीरम, शुगर कंटेनिंग मीडिया जो कि डैमेज हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पर, तो उनके लिए हम टेंडलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. सो नाउ वील टॉक अबाउट एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस. हमने पीछे पढ़ लिया बिलो एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ टेम, अब पढ़ेंगे हम एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें हमारे पास एक मेथड आता है, दैट इज ऑटोक्लेव. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा ये हॉट एयर अवन एंड ऑटोक्लेव. दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन एन एग्जाम. सो ऑटोक्लेव बेसिकली, स्क्रीन पर आपके पिक्चर आ गई होगी कि ऑटोक्लेव होता कैसा है. बेसिकली ऑटोक्लेव एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर है या फिर बॉयलर. घर में प्रेशर कुकर होता है, बस उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई कर रखा होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होते हैं, अंदर वर्टिकल और हॉरिजोंटल सिलेंडर्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के या गन मेटल के, एक आयरन केस के अंडर. जो लिड होता है उस पर हमारे डिस्चार्ज टैप होती है. डिस्चार्ज टैप से हमारा क्या निकलता है, एयर और स्टीम जो भी अंदर जनरेट हो रही है वो निकलती है, ठीक है. प्रेशर गॉज होता है. प्रेशर गॉज किस लिए होता है, बेसिकली हमारा प्रेशर गॉज हमारे प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है और एक सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है. हीटिंग हम इसमें, जो हम इसमें हीट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली होती है, ठीक है. और स्टीम सर्कुलेट होती है हाई प्रेशर के साथ इनर चेंबर्स के अंदर. ये डायग्राम से आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके. सो बेसिकली होता क्या है, इसका प्रिंसिपल की बात करें तो स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ अ बेटर किलिंग पावर देन ड्राई हीट. तो इसमें जो होता है कि ड्राई हीट हमने पढ़ा हॉट एयर ओवन, तो अगर हम, हॉट एयर ओवन था 160 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी बेटर किलिंग पावर है देन द ड्राई हीट, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं टू मॉइस्ट हीट. ये मॉइस्ट हीट के अंडर ही पड़ रहे हैं ना हम, तो वो. तो अगर टेम्परेचर की बात करें इसमें, तो टेम्परेचर हमारा होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. होल्डिंग टाइम हमारा होता है 15 मिनट्स का. ओके, लेकिन ये एक तो जनरल है, अगर हम जनरली या कॉमनली बात करें तो हम ये वाला टेम्परेचर यूज़ करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. बट अगर कुछ कंडीशंस में हमें हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, 126 डिग्री सेल्सियस दे देते हैं हम टेम्परेचर फॉर 10 मिनट्स, या हम 133 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकते हैं फॉर 3 मिनट्स. तो ये अलग अलग टेम्परेचर है, ये अकॉर्डिंग टू हमारी स्टरलाइजेशन हमने किस मटेरियल की करनी है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर हम इसमें यूजर्स की बात करें कि हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हमारा कल्चर मीडिया है या रबर मटेरियल है. हमने कल ही पढ़ा था कि जो हॉट एयर ओवन है उसमें हम रबर मटेरियल नहीं रखते हैं, क्योंकि रबर जो है वो मेल्ट हो जाती है. तो रबर मटेरियल इसमें हम ऑटोक्लेव में इसको स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है. ड्रेसिंग्स हो गए, ग्लव्स हो गए, तो ये सारा मटेरियल कर सकते हैं. बेसिकली वो चीज़ें जो कि हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन को विदस्टैंड नहीं कर सकती हैं, उन सब चीज़ों को स्टरलाइज हम किस में करते हैं, ऑटोक्लेव में, ठीक है. सो अगर हम स्टरलाइजेशन कंट्रोल की बात करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑटोक्लेव है वो ठीक फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारे पास उसके दो मेथड होते हैं. वन इज़ बैक्टीरियल मेथड एंड अदर वन इज़ केमिकल इंडिकेटर. बैक्टीरियल मेथड में हमने हॉट एयर ओवन में पढ़ा था कि हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स रखते थे, तो इसमें हम किसके रखते हैं, बैसिलस स्टीरो थर्मोफिलस के. बैसिलस स्टीरो थर्मोफिलस, इसके हम स्पोर्स रखते हैं. अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं हम उसको फॉर
12 मिनट्स अगर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो दैट विल इंडिकेट कि जो हमारा ऑटोक्लेव है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है. केमिकल इंडिकेटर की बात करें तो ब्राउन्स ट्यूब होती है हमारे पास, उसको हम रखते हैं, उसमें रेड सॉल्यूशन होता है. सो आफ्टर स्टरलाइजेशन इट विल टर्न इनटू ग्रीन सॉल्यूशन. तो अगर वो ग्रीन में चेंज हो जाता है तो दैट विल ऑल्सो इंडिकेट कि हमारा जो ऑटोक्लेव है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट ओजोन, हमारा अदर फिजिकल मेथड. हम ने फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि हम फिजिकल मेथड्स की बात कर रहे थे. हमने सनलाइट पढ़ा, हीट पढ़ा, हीट में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, अभी तक हम मॉइस्ट हीट ही पढ़ रहे थे. नेक्स्ट वील कम टू ओजोन. ओजोन बेसिकली क्या करता है, हम इसमें इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओजोन स्टरलाइजर. इसका हम यूज़ करते हैं, जो कि यूज़ करता है हमारा ऑक्सीजन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये तीन चीज़ें यूज़ करता है लो टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको. तो जो हमारे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमारा सेपरेट हो जाता है इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये फर्दर जाके ओ टू के साथ कंबाइन होके हमारा ओ थ्री मतलब ओजोन फॉर्म कर देता है, जो हमारा फर्दर जो भी हमने इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हैं स्टरलाइज होने के लिए उनको स्टरलाइज करता है. सो नाउ विल टॉक अबाउट अदर फिजिकल मेथड आफ्टर ओजोन एंड इट इज़ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन बेसिकली हम उन सब्सटेंसेस का करते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं हीट की वजह से, जैसे कि सिरा, शुगर, सम एंटीबायोटिक सोल्यूशन, ये हमारे विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं हीट को, तो इसलिए हम उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से स्टरलाइज करते हैं. सो बेसिकली वील यूज सम ऑफ द फिल्टर्स. फर्स्ट वन इज अर्थनवेयर कैंडल्स. अर्थनवेयर कैंडल्स आपने घर में भी देखी होंगी, जो हमारे आरओज होते हैं या एक्वागार्ड्स होते हैं उनमें कैंडल लगी होती है, वो हमारे एक होलो कैंडल की फॉर्म में होती है और लिक्विड उसमें से पास आउट होता है थ्रू द कैंडल. और ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पोरोसिटी, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो उसमें से क्लीन हो जाती हैं. सेकंड कम सिट्स फिल्टर. सिट्स फिल्टर बेसिकली मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है और मेटल मेटल पर सपोर्टेड होता है. ये भी हमारा हेल्प करता है फिल्ट्रेशन करने में. थर्ड वन इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर. मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. डिफरेंट पोरोसिटी होती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है मेम्ब्रेन्स. तो उनको हम अकॉर्डिंग हमने क्या स्टरलाइज करना है या क्या फिल्टर आउट करना है, हम उस अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज़ करते हैं और हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं. सो लास्ट फिजिकल मेथड हमारे पास आता है रेडिएशंस. रेडिएशंस में हमारे पास दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. आयनाइजिंग रेडिएशंस में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, गामा रेस, एक्स रेस, कॉस्मिक रेज, ये हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं. इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं, क्या स्टरलाइज करने के लिए करते हैं, जो भी हमारे पास डिस्पोजेबल आइटम्स है जैसे कि प्लास्टिक सिरिंजेस, स्वैब्स एट्सेट्रा, तो इन सब को हमारा स्टराइल करने के लिए हम आयनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं. सेकेंड वन हमारे पास आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में तो इसमें हमारे पास आती है इंफ्रारेड रेज एंड यूवी रेज. तो हम इनको यूज़ किस लिए करते हैं, मास स्टरलाइजेशन के लिए हमारे कैथेटर्स हैं या हमारे पास सिरिंजेस हैं, तो इनकी जो मास स्टरलाइजेशन होती है उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो यूवी रेज होती हैं उनका बहुत हाई बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट होता है, तो हम उसको ओटी थिएटर के लिए स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है, और जो हमारे लेमिनार फ्लो हैं उनके लिए, ठीक है, हमारी लैब्स हैं उनको स्टराइल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को. सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. थैंक यू.